मतलब कुछ भी। तो कैसे हैं आप लोग? तो गाइस अभी से काफी टाइम पहले जब हमने अपना पहला ड्रोन बनाने की कोशिश की थी ना, उस टाइम मेरे पास ड्रोन बनाने के पैसे नहीं हुआ करते थे। किसी तरह से मैं वो छोटे वाले ड्रोन के मोटर लेकर आ गया था और मैं सोचा इसके नीचे अगर हम बैटरी लगा देंगे, चार मोटर लगा देंगे तो हमारा ड्रोन उड़ने लगेगा बिना कंट्रोल बोर्ड के। तो मैं सोचा यार बनाकर देखते हैं। बहुत बार ट्राई किया लेकिन ड्रोन नहीं उड़ा। तो मुझे लगा बिना कंट्रोल बोर्ड के ड्रोन उड़ नहीं सकता, लेकिन हम इसको फिर भी उड़ाएंगे। तो मैंने क्या किया, नीचे धागे बांध दिए टेबल में और उसके बाद बैटरी का जब कनेक्शन किया तो ड्रोन हवा में लेविटेट करने लग गया। ठीक है, और मुझे वही देखना था। तो आज हमारे पास, उस टाइम हमारा लेवल काफी छोटा था, आज हमारा लेवल बढ़ चुका है। तो आज हम वही सेम एक्सपेरिमेंट BLDC मोटर के साथ बड़े ड्रोन को उड़ाकर देखने वाले हैं। ये थोड़ा डेंजरस होने वाला है क्योंकि यहाँ पे बड़े बड़े BLDC मोटर हैं जो कि बहुत ज्यादा हाई RPM से घूमते हैं, और इतनी बड़ी चीज को बिना कंट्रोल बोर्ड के उड़ाकर देखने में बहुत ज्यादा मजा आएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, वही पुराना एक्सपेरिमेंट दोहराते हैं लेकिन बड़े वाले मोटर के साथ। और सब्सक्राइब कर लेना एंड वीडियो को लाइक कर देना क्योंकि इस तरह के एक्सपेरिमेंट थोड़े से खतरनाक है जो कि मैं आपके लिए कर रहा हूँ। इसे लाइक तो बनता है एंड सब्सक्राइब कर लोगे तो आगे भी इसी तरह की वीडियोस मिलती रहेगी। तो गाइस इस कमाल के एक्सपेरिमेंट को करने के लिए अपने वर्किंग टेबल पर आ चुके हैं। देखो मेरे पास यहाँ पे सारा सामान पड़ा हुआ है लेकिन मेरे पास सिर्फ दो मोटर्स ही है सेम वैल्यू के। ठीक है, चार होते तो हम चार से करते हैं लेकिन मेरे पास 1400 KV के हैं, बाकी 1000 KV का है, 1800 KV का है, उसको यहाँ पे ऐड नहीं कर सकते हम। ठीक है, क्योंकि स्पीड में अंतर आ जाएगा। मैंने दो मोटर लिए है, दो मोटर से भी चेक किया जा सकता है। बाकी 10 इंच का प्रोपेलर लिया है, यहाँ पे आपको 10 इंच का प्रोपेलर यूज नहीं करना, 8 इंच का करोगे तो अच्छा रहेगा, मोटर पे कम लोड पड़ता है। बाकी 30-30 एम्पीयर की दो ESC और यहाँ पे एक सर्वो कंट्रोलर जो कि दोनों को कंट्रोल कर पाएगा आराम से। फिलहाल इनको साइड में रखते हैं। इस एक्सपेरिमेंट करने के लिए हमें एक अच्छा सा ढांचा चाहिए जो कि मजबूत हो, कि BLDC मोटर है भाई बहुत ज्यादा पावरफुल होती है। उसके लिए मेरे पास यहाँ पे चार एल्बो जॉइंट है जो कि चीप वाले में लिया हूँ क्योंकि ज्यादा भारी हमें नहीं बनाना है। यहाँ पे बात ड्रोन की है, जब हमें आसमान में उड़ना होता है तो हम सबसे हल्के मटेरियल पे जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखो एक ये वाली PVC ली हुई है मैंने जो कि भाई बहुत ज्यादा काम आएगी इसको बनाने में, ये भी हल्की सी, ये ज्यादा भारी में ली नहीं। बाकी चलो अब हमें इसके लिए एक स्ट्रक्चर बनाना है जिसमें हम दोनों मोटर को फिक्स कर पाए, फिर हम इसको उड़ाकर देख पाए, वही पहले वाला एक्सपेरिमेंट करेंगे। ये किसने नहीं किया, ये मजेदार होगा। इस प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे आपको बताता हूँ। जैसे ये दोनों मोटर को यहाँ पे रख लेना कुछ इस तरीके से, जो भी फैन है उसको ऐसे करके लगा लेना है। ठीक है, और देखना है कि दोनों फैन आपस में टच ना हो, उतनी दूरी मोटर के बीच में रखनी है और उस हिसाब से इसके फ्रेम का साइज बनाना है। तो चलो अब इसके साइज का एक PVC कट करते हैं और साथ ही जितने भी PVC के पीसेस लगेंगे सबको कट करके एक फ्रेम बनाते हैं। गाइज यहाँ पे देख सकते हो हमने सारे पीसेस कट कर लिए। देखो अब इनको जोड़ना कैसे, ये जो है 8 इंच का है और ये 12 इंच का, मतलब 1 फीट का है। इन्हें हमें कुछ इस तरह से आपस में जोड़ना होगा। ये जो है ये हम बाद में यहाँ पे लगाएंगे, इसको मैं इसी तरह से लेग्स के रूप में लगा रहा हूँ। आप लोगों को बहुत ज्यादा भारी हो जाएगा लेकिन इनका वजन जो है मैं आपको वेट स्केल में दिखा रहा हूँ सिर्फ 250 ग्राम है। 250 ग्राम वजन बहुत कम है क्योंकि हमने एक बार एक्सपेरिमेंट किया था इसके साथ। ठीक है, ये कितना वेट उठा सकता है, उस वीडियो में हमने इससे 800 ग्राम का वेट सिर्फ एक मोटर से उठाया था। यहाँ तो हमारे दो मोटर होने वाले हैं और सिर्फ 250 ग्राम का वेट है। ठीक है, बाकी चलो इनको जोड़ना शुरू करते हैं। इनको आपस में फैब्रिक से चिपकाने के लिए इस एरिया को कर्व करना पड़ेगा हमें इसके अनुसार। ठीक है, गाइस यहाँ पे देख सकते हो दोनों पीस को हमने कर्व कर लिया है। देखो अब क्या होगा, इससे अच्छे से जुड़ जाएगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो चलो इनको फैब्रिक से चिपका लेते हैं। गाइस यहाँ पे देख सकते हो इसका स्टैंड बनके बिल्कुल रेडी हो चुका है और कुछ इस तरह का दिखाई दे रहा है। आपको लगा रहा हो काफी बड़ा सा है, भारी भारी तो नहीं हो गया होगा। तो वेट मेजर करके दिखा देता हूँ, ये देखो ज्यादा कुछ वजन नहीं है। मैंने आपको बताया था ना कि ये अकेला मोटर 800 ग्राम का वजन कैरी कर लेता है, मेरे हिसाब से इसको दोनों मोटर आराम से उड़ा लेंगे। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। अब हमें नेक्स्ट करना क्या है कि इसके ऊपर मोटर्स को फिक्स करना है।
तो डायरेक्टली इसके ऊपर मोटर को फिक्स करना मुश्किल है क्योंकि ये तो गोल सरफेस है। तो छोटे छोटे दो और पीस कट करते हैं और उसके ऊपर मोटर्स को फिक्स करते हैं। हमने दो दो इंच के दो पीस कट कर लिए, इनको भी नीचे से कर्व कर लिया और देखो इनको ना बिल्कुल बीच में और 90 डिग्री पे लगाना है। थोड़ा भी इधर उधर करोगे तो ड्रोन वाली बात है, तुरंत ही गड़बड़ हो जाएगी। मैं भी कोशिश ही कर सकता हूँ लगाने की, बाकी पूरा ट्राई करेंगे इसको बढ़िया से लगाएं। तो गाइज ये इसका फाइनल स्ट्रक्चर बनके रेडी हो चुका है। अब हमें ऊपर मोटर्स को लगाना है। तो अब हम क्या करेंगे, पीवीसी शीट की हेल्प से यहाँ पे मोटर माउंट बना लेंगे और उसके बाद उस पर मोटर लगा के इसके ऊपर चिपका देंगे। तो उसके बाद ज्यादा कुछ नहीं करना रहेगा, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। यहाँ पे हमने मोटर को मजबूती से लगा लिया है। देखो नेक्स्ट काम क्या रह गया है, हमें ESC को लगाना है दोनों मोटर के लिए एक एक, ठीक है। यहाँ पे को इसका कनेक्शन कैसे होता है बहुत बार बताया, बीच वाली वायर ESC की लेनी है और इसके पीले वायर से कनेक्ट कर देनी है। उसके बाद जो वायर जहाँ जोड़ना है जोड़ दो, अगर गलत लगता है रोटेशन तो फिर बदल दोगे तो रोटेशन भी चेंज हो जाएगा। ESC के साथ क्या है कि ये जो छोटा वाला सिग्नल वायर है इसको हमें S जिस साइड में लिखा हुआ है उस साइड में पीली वायर रखनी है, कुछ इस तरह से, ठीक है। जल्दी से कनेक्शन कर लेते हैं, उसके बाद इसके फैन लगाएंगे। यहाँ पे देख सकते हो सारा कनेक्शन हो चुका है। देखो सर्वो कंट्रोल की वायर को मैंने इस वायर से कनेक्ट कर दिया है क्योंकि हमें थोड़ी लंबी वायर की जरूरत होगी क्योंकि ये प्रोजेक्ट जो है थोड़ा डेंजरस हो सकता है क्योंकि इतने बड़े बड़े ब्लेड्स हैं, फैंस हैं, ठीक है। तो हम इसके सामने बैठ के इसकी स्पीड को तो बढ़ाने का इंतजार कर नहीं सकते कि कब ऊपर जाएगा क्योंकि इधर उधर भी तो जा सकता है। तो हम टेबल से थोड़ा दूर रहकर इसकी स्पीड को बढ़ाएंगे, इसलिए मैंने इतनी लंबी वायर रखी है और इसे सर्वो कंट्रोल को कनेक्ट कर देंगे। बाकी यहाँ पे बैटरी कनेक्ट करनी है, सबसे पहले चलो फैन लगा लेते हैं। इस फैन लगाने से पहले दोनों मोटर की रोटेशन चेक कर लेनी है, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट घूमने चाहिए क्योंकि अगर एक साथ घूमेंगे तो ड्रोन ऐसे काम नहीं करता। ड्रोन में ऑपोजिट होना चाहिए मोटर्स की रोटेशन, हवा दोनों नीचे ही फेंकेंगे लेकिन ऑपोजिट घूमने चाहिए। तो सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पे, ये देखो ये इस साइड घूम रहा है और ये इस साइड घूम रहा है, ठीक है। तो दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट घूम रहे हैं, इसका मतलब ठीक है। चलो हम विंग्स लगाते हैं। फाइनली हमारा दो प्रोपेलर वाला ड्रोन बनके बिल्कुल रेडी हो चुका है, वो भी बिना पैलेट बोर्ड के। और अब हम इसको उड़ाने वाले हैं। देखो इस बैटरी का मैं यूज करूंगा, इसे हम यहाँ कहीं टेबल पे रख देंगे और ये दोनों वायर यहाँ पे लगाने वाले हैं और उसके बाद इसके थ्रू हम इसकी स्पीड कंट्रोल करके देखेंगे कैसा उड़ रहा है, उड़ भी रहा है या नहीं उड़ रहा। ये सबसे जरूरी चीज जो कि किसी ने अभी तक इसके साथ की नहीं है, हम इसको चारों तरफ से रस्सी या फिर किसी मजबूत धागे से बांध देंगे जिससे कि ये इधर उधर ना जाए, ये डेंजरस हो सकता है, ठीक है। अगर ये थोड़ा सा भी उड़ा तो एक लिमिट तक ऊपर जाए, बाकी देखते हैं जैसा हम सोच रहे हैं वैसा होता भी है कि नहीं क्योंकि ये एक एक्सपेरिमेंट है, तो इसे सिर्फ एक्सपेरिमेंट की तरह ही लेना, ठीक है। तो
तो गाइस मैंने काफी मजबूत धागे से इसको चारों तरफ से बांध दिया है। वैसे हाइट इतनी ज्यादा ऊपर तो मेरे हिसाब से पता नहीं जाएगा भी कि नहीं, और कैसा काम करेगा हमें नहीं पता, क्योंकि सिर्फ दो प्रोपेलर यहाँ पे होने वाले। बाकी चलो देखते हैं, ये एक एक्सपेरिमेंट है और मैं इसको बैटरी से कनेक्ट करता हूँ और हम इसको दूर से ही ऑपरेट करेंगे, क्योंकि भाई बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है। तो यहाँ पे गाइस हो चुका है एंड अब भाई साहब दिल धक धक कर रहा है, मैं थोड़ा सा दूर जाता हूँ एंड चलो टेस्ट करते हैं। तो गाइस 1 2 3 एंड यहाँ पे बढ़ाना शुरू करते हैं। भाई साहब मतलब कुछ भी चल रहा है। दो प्रोपेलर वाला ड्रोन इस तरह से उड़ रहा था, इतने बड़े ड्रोन को उड़ते हुए मैंने पहली बार ऐसे देखा बिना फ्लाइट कंट्रोलर के। और ये इजी नहीं है, मतलब ये डेंजरस एक्सपेरिमेंट है, क्योंकि भाई अगर हम इसके अगल बगल रहते हैं, इसका प्रोपेलर टूट गया या फिर ये इधर उधर हो गया, ठीक है, बैटरी से टकरा गया, तो पता है कितना बड़ा नुकसान यहाँ पे मेरा हो सकता है एंड साथ ही मुझे हार्म भी हो सकता है। इस तरह का कुछ भी आप घर पे ट्राई मत करना। मैं बस देख रहा था कि बिना फ्लाइट कंट्रोलर के अगर हम इसको उड़ाने का मजा लेना चाहे, फ्लोट कराने का मजा लेना चाहे, तो क्या ले सकते हैं। और मुझे नहीं पता था कि दो प्रोपेलर से हो जाएगा, क्योंकि भाई चार प्रोपेलर होते हैं तो वो एक स्क्वायर सिस्टम होता है ना, बैलेंस करने में इजी रहता है हवा में। लेकिन यहाँ पे सिर्फ दो प्रोपेलर है, उसमें भी हवा में बैलेंस हो रहा है। एक बार और करते हैं इस चीज को, ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज है। तो गाइस एक बार और करने जा रहा हूँ, ठीक है। ओ भाई अगर ये छोटे बड़े हुए तो ये थोड़ा सा भी इधर अगर जा पाता तो बैटरी से टकरा जाता। देखो क्या मेजरमेंट है, बिल्कुल भी नहीं जा पा रहा, ठीक है, मतलब सिर्फ कुछ mm का गैप रह गया यहाँ से टकराने से। तो इतना मेजरमेंट करके चलना पड़ता है। अब ये जो है 100% सक्सेसफुल हो चुका है, तो आप लोगों को लाइक करना पड़ेगा, इसलिए लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस तरह के कमाल के एक्सपेरिमेंट हमारे चैनल पे आते रहते हैं। और इस तरह का एक एक्सपेरिमेंट हमने स्टार्टिंग में जैसा कि आपको बताया किया था, जो कि हमारे चैनल के मोस्ट पॉपुलर वीडियो है, तो यार इसे भी बना दो। अब पता नहीं इसे बनाओगे या नहीं, ये इसे चैनल के मोस्ट डाउन वाले वीडियो बनाओगे वो आपकी मर्जी, ठीक है। बाकी लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, अगले किसी वीडियो में मिलते हैं। और इस तरह के एक्सपेरिमेंट और देखना चाहते हो तो नीचे कॉमेंट कर देना।